मुस्तफा भाई क्या बोले भाई? अरे यार नको तेज है मिर्ची खिला रहे मुस्तफा भाई देखो पहले से मिर्ची लगा सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू आर चैनल माई सेल्फ काशी बैस होप यू आर गोइंग वेल। आज डेट है 29th of October 2023 और आज है संडे। तो आज मैं आपको कुछ न्यू लोकेशन पर नजर आ रहा हूँ। तो मैं अभी आया हूँ जिम खाना जो औरंगाबाद के अंदर है और यहाँ पर काफी रूम्स मेरे पीछे नजर आ रहे हैं। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। यहाँ पर आज एक इवेंट चल रहा है ज्वेलर्स का जो पूना का ब्रांड है रंका ज्वेलर्स। एक एग्जीबिशन लगा है औरंगाबाद में जिम खाने के अंदर। तो यहाँ पर हमारे दोस्त दाऊद भाई के साथ आया था मैं। तो दाऊद भाई का अंदर शूट चालू है, मेरा भी रील्स का शूट था तो मैंने रील शूट कर लिया वो। और बस अभी सोचा था कि सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया तो चलो अभी व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो अंदर चलेंगे और यहाँ के थोड़े बहुत सीन्स देखें। तो ये हमारे दोस्त है दाऊद भाई और यहाँ पर इनके साथ मैं इवेंट पे आया था। थैंक यू। दाऊद भाई अपना शूट तो हो गया वरना फिर थोड़ा बहुत ब्लॉग में बता देंगे अंदर का। तो गाइज आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है यहाँ का। तो अंकल एजेंसी नाम से ये एक इवेंट है और ये रानी ज्वेलर्स है और जो कि पुणे करवे रोड का है। इस इवेंट में आप देखेंगे सोना हीरा जो भी ज्वेलर्स है वो यही नज़र आ रहे हैं। और इसकी टाइमिंग थी सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक और रंका ज्वेलर्स 1879 से चल रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज्वेलर्स वो नज़र आ रहे हैं। भाई हमारा भी शूट हो गया यहाँ से और आज ब्लॉग में ज़्यादा कुछ कंटेंट हुआ ही नहीं भाई। सुबह से ब्लॉग चालू नहीं किया, अभी चालू किया वो भी शूट होने के बाद। और हमारे दाऊद भाई ने बहुत कुछ शूट किया माशाल्लाह, इनकी रील आएंगी। मैंने कभी आपका आभारी है। आज मेरा आधे से ज़्यादा काम दाऊद भाई ने संभाल लिए थे, ज़्यादा उन्होंने ही शूट किया मानना आज। तो गाइस आपने जितने भी म्यूजिक के शॉट्स देखे अभी तो दाऊद भाई ने लिए थे। वो अच्छे भी लिए तो इन्होंने लिए थे, बुरे भी लिए थे इन्होंने लिए थे। प्लीज टेक अ बॉटल। पानी बचाए नहीं तुमने? नहीं एक्चुअली पानी नहीं था, वो शहद था। अच्छा तो चलो भाई यहाँ पर थोड़ी बहुत फोटोग्राफी कर लेते हैं और फिर चलते हैं। अभी हम लोग आए नारेगांव में, यहाँ पर अभी चाय पीएंगे। आज बाइक नहीं थी घर पर तो अब ऑटो से जाना पड़ रहा है। अभी हम जो शाम जा रहे हैं शूट के ऊपर, ये एहसान भाई आगे रुके हुए हैं सावरकर चौक पर, तो फिर उसके बाद मैं एहसान भाई के साथ चले जाऊंगा। तो एहसान भाई आगे रुके हुए हैं। सलाम अलैकुम एहसान भाई। सो गाइज अभी हम लोग थे शालीमार रेस्टोरेंट पे, वहाँ पर हमारी फूड फोटोग्राफी चल रही थी। और उसके बाद अभी हम आए हैं बेगम्स रेस्टोरेंट जो कि कटकट गेट के पास अभी न्यूली ओपन हुआ है। और यहाँ पर आज हम कुछ मीटिंग रिगार्डिंग आए हैं तो इंशाल्लाह मीटिंग वो करते हैं और फिर मिलते हैं। एहसान भाई भी है मेरे साथ में। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं इम्पीरियल लॉन्स में। तो यहाँ पर आज एक एक्सपो है इम्पीरियल लॉन्स के अंदर, तो चलो चलते हैं। और यहाँ पर आज थोड़ा बहुत शूट भी किया हमने रील्स। यहाँ पर काफ़ी फूड स्टॉल्स लगे हैं और अंदर ड्रेसेस वगैरह है। तो मुस्तफा भाई क्या बोले भाई? अरे यार नको तेज है मिर्ची खिला रहे मुस्तफा भाई देखो। पहले से मिर्ची लगा। शुक्रिया भैया। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी का न्यू मैजिक विद रेशमा चैनल का नाम आप तो सुना ही होगा, अगर आपने नहीं सुना होगा तो देखिए फौरी सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर आपको एक से एक रेसिपीज आसान तरीके से सिखाई जा रही है और आप देखिए उसे बनाइए, घर में टेस्ट कीजिए। एक से एक आपको रेसिपीज बनाने के लिए आसान तरीके बताए जा रहे हैं। अभी दिवाली स्पेशल के मौके पर दिवाली की स्पेशल डिशेज बनाई जा रही है, आप वो भी देखिए। और अगर आपको कुछ रेसिपीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कॉल कीजिए, पूछिए। आपको हर वक्त हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तो गाइस जैसा आपने लास्ट सीन देखा हम थे इंपीरियल लॉन के अंदर, वहाँ पर जो इवेंट चल रहा था वहाँ पर हमने शूट किया। उसके बाद हम लोग कैनॉट गए थे तो बाद में मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। वहाँ पर कैनॉट पे भी हमने
मसाला दूध और भी कुछ लोकेशन हमने कवर किए, पर व्लॉग शूट करना नहीं हुआ, भूल गया था मैं व्लॉग शूट करना, रील के अंदर ही बिजी था। तो फिर आज है दूसरा दिन गाइस, आज है मंडे, आज है 30 अक्टूबर 2023 और ये व्लॉग अभी मैं एंड करने जा रहा हूँ क्योंकि अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, मुझे न्यू व्लॉग भी स्टार्ट करना है। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ ये व्लॉग यहीं तक रखना चाहिए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया प्लीज डू लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, ओके, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।